तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर, बच्चों की आमोदिश में ताउन की गर्ज से वालिदैन को बाखबर बनाने के लिए मुंतजा जेल में से कौन सा तरीका इस्तेमाल करना चाहिए। करेक्ट आंसर है वालिदैन की सहूलत के मुताबिक रस्मी व गैर रस्मी तामुल को खुला रखकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वालिदैन को मशगूल करने के लिए मिशन के रहनुमा खतूत में मुंतजा जेल में से किस सरगर्मी की सिफारिश की गई है। सही आंसर है अंदाज़े कदर के नतायज के बारे में जानना। अगला सवाल, बुनियादी ख्वानदगी और अदा शनासी महारतों में इजाफे के लिए बुनियादी मरहले पर वालिदैन की मदद क्यों दरकार है। इसका सही आंसर है घर वालों की मदद हर दर्जा ज़रूरी है क्योंकि स्कूल के बाद का वक्त वो घर पर गुजारते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल और ख़ानदानों के दरमियान इश्तराक की वकालत की बुनियादी वजह क्या है। इसका सही जवाब है इस तरह का इश्तराक स्कूल में बच्चों के आमोदिश में सहूलत पैदा करता है। अगला सवाल है, स्कूल और बच्चों के लिए माशरे की शमूलियत क्यों मुफीद है। इसका सही जवाब है माशरे के पास मुतअद्दद मादी माली और इंसानी वसाइल होते हैं जो स्कूल और बच्चों के लिए मददगार हो सकते हैं। अगला सवाल है, वालिदैन की तवक्कुआत और बच्चों की तालीम के लिए उनकी हकीकी मदद के दरमियान फ़र्क का असल सबब क्या है। इसका सही आंसर है बच्चे और असातिज़ा बामानी शराकत की तश्कील से बखूबी वाकिफ नहीं हो पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन, माजूरी से मुतासिर बच्चों को होम स्कूलिंग फ्राहम करने के लिए वालिदैन की मदद कैसे की जा सकती है। इसका सही आंसर है होम स्कूलिंग के खसूसी तालीमदानों के इश्तराक से काम करने वाले रिसोर्स सेंटर्स। अगला सवाल, मुंदरजा ज़िले में से कौन सी बात वालिदैन को पाबंदी से तजदीदी मालूमात अरसाल करने के लिए उस्ताद की अच्छी आदत है। इसका सही जवाब है डायरी नोट। अगला सवाल है, उस्ताद तबादले ख्याल के अच्छे तरीके पर अमल कर रहा है अगर वो। इसका सही आंसर है वालिदैन की याद दहानी की रसीद देता है और मजीद तबादले ख्याल में आसानी के लिए अपनी ज़ाती आरा का इजाफा करता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, बुनियादी मरहले पर वालिदैन की शमूलियत हर दर्जा अहम है और ये मुश्तमिल है। इसका सही आंसर है 3 से 8 साल के ज़मरे उम्र के बच्चों पर। अगला सवाल, मुंदरजल में से कौन सी बात बुनियादी ख्वानदगी और अदा शनासी पर वालिदैन और माशरे की कम तवज्जो का सबब है। इसका सही आंसर है दोनों जानिब तरसीली महारतों और तरीकों का फुकदान। अगला सवाल है, बुनियादी ख्वानदगी के लक्ष्या या अहदाफ को 4 गोशों में बयान किया गया है। इसका सही आंसर है तकल्लुमी ज़बान, पढ़ना लिखना और अदा शनासी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वालिदैन घर के मुख्तलिफ हिस्सों की तस्हील कारी के तबय शुदा मवाद और अदा शनासी से भरपूर माहौल की तख्लीक कर सकते हैं। मसलन इसका सही जवाब है कमरे, किचन, स्कूल बैग, बैतुलखला, दरवाजे वगैरह। इसके बाद सवाल है, वालिदैन के साथ पाबंदी से देरपा तबादले ख्याल और उन्हें इसकी तरगीब दिलाना ज़रूरी है। इसका सही जवाब है बुनियादी ख्वानदगी और अदा शनासी में वालिदैन और ख़ानदानों को शामिल करने के लिए। अगला सवाल, वालिदैन और स्कूल दोनों जानिब तरसील का फुकदान खाली जगह की एक बड़ी वजह है। इसका सही जवाब है वालिदैन और माशरे के अफराद की कम तवज्जो। अगला सवाल है, जब ख़ानदान के अफराद के तई स्कूल का रवैया दोस्ताना और खुशगवार हो तो खाली जगह आसान है। इसका सही जवाब है कामयाब शराकती प्रोग्रामों की तश्कील। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल और ख़ानदानों के दरमियान मजबूत तर ताल्लुक कायम करने के कई तरीके हैं, इस मकसद के मुंदरज ज़ैल में किसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा है। इसका सही आंसर है बच्चों की आमोजिश और इर्तिका के बारे में दोनों के दरमियान मुसलसल तबादला ख्याल होता रहे। अगला सवाल, ये बात जानने के लिए कि क्या वो बुनियादी ख्वानदगी और अदा शनासी में बच्चों की आमोदिश में मदद करना चाहते हैं, ख़ानदानों के लिए क्या ज़रूरी है। इसका सही जवाब है हर सतह का आमोदशी महासल। नेक्स्ट क्वेश्चन, माशरे के लिए एडवोकेसी प्रोग्राम मुनाकिद करने के उसूल हैं। इसका सही जवाब है मीडिया रसाइल, लोकगीत, नुक्कड़ नाटक, स्ट्रीट प्लेस, कठपुतली के तमाशे। अगला सवाल, वालिदैन के साथ पाबंदी से देरपा तबादले ख्याल और उन्हें इसकी तरगीब दिलाना ज़रूरी है। इसका सही जवाब है बुनियादी ख्वानदगी और अदा शनासी में वालिदैन और ख़ानदानों को शामिल करने के लिए। नेक्स्ट, मुकामी तौर पर दस्तियाब बग़ैर खर्च वाले मवाद से घर पर आर्ट की सरगर्मियों का मज़ाहरा और उन्हें अंजाम देना। इसका सही जवाब है मजबूर रखने की सरगर्मी है। अगला सवाल है, वालिदैन और स्कूल दोनों जानिब तरसील का फुकदान खाली जगह की एक बड़ी वजह है। इसका सही आंसर है वालिदैन और माशरे के अफराद की कम तवज्जो।